नमस्कार दोस्तों, आजकल के ट्रेंड को फॉलो करते हुए बेन स्टोक्स ने भी रिटायरमेंट वापस ले लिया। वो ये तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे, ओडीआई से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करा था। 26 जुलाई को बोला था कि मैं अपने डिसीजन रिवर्स नहीं करूंगा, बट 15 अगस्त को बोलते कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। यार आजकल मतलब इस महीने, इस साल तमिम इकबाल, मोइन अली, मनोज तिवारी, कितने सारे लोगों ने रिटायरमेंट लेके वापस ले ली। बट बेन स्टोक्स को ऑब्वियस लग रहा था कि भाई वर्ल्ड कप आ रहा है तो अवेलेबल हो सकते हैं। बट उनकी जो एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है अभी, वो ये है कि मैं 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो खेलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे 2024 का आईपीएल सेक्रीफाइस करना पड़ जाए या फिर मैं उसको मिस कर दूँ। चीटिंग करता है तू। तो यहाँ पे सीएसके फैंस का क्या रिएक्शन होगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियसली बात है। जब ये लिया था चेन्नई ने बेन स्टोक्स को, जब भी आधे लोगों ने बोल दिया था कि इनके अवेबिलिटी पे सवाल उठेंगे, तो कोई बात नहीं यार, कोई ना कोई रिप्लेसमेंट ज़रूर से आएगा, उसकी भी बात करेंगे। बट वो ये कि बेन स्टोक्स खेलने वाले हैं ओडीआई वर्ल्ड कप। आज ट्यूसडे है, आज मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस्ड हो जाएगा इंग्लैंड का। जोफ्रा आर्चर पे भी न्यूज़ आएगी, आपको ज़रूर से बताएंगे। बात पे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बेन स्टोक्स।